कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DCM साहब का ऑफिस से सुबह कम्युनिकेशन आया है, तो हम लोग को इन्वाइट किया है टीम को। तो अभी हम लोग 3 बजे मिल के आए हैं। तो सरकार का ये स्टेटमेंट है कि पैसा वो लोग का पास नहीं था, लेकिन कल 700 करोड़ आ गया पैसा। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्टर का जो अनक्लियर वाला चेक है, तो मंडे से उसको पेश वाइज शुरू कर देगा बोला है। तो हम लोग को भी वो अपील किया है कि अब आप लोग का जो डिमांड है, जो जैसी भी ब्लॉक करेगा वो सब चार ऐसा नहीं करना है। आपका जो एज ए कॉन्ट्रेक्टर लीडर हिसाब वालों जो कर अच्छा है, तो आप लोग का डिमांड को, आप लोग का जो अप्राइज करते हुए, आप लोग का जो चीज़ को करते हुए हम लोग कर रहा है, हम लोग का उसका सरकार को कोई इंटेंशन नहीं था कि चेक को होल्ड करना है। सिर्फ उसका यूनियन गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया था, तो यूनियन गवर्नमेंट ने कल शाम 700 करोड़ सेंक्शन कर दिया, तो उसको मंडे से शुरू कर देगा। हाँ, हम लोग उसको DCM साहब को, हम लोग ये वो जो जबकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर है, हम लोग क्लियर कट बोला है कि हर साल में आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, जब भी एवरी अफ्टर मार्च में आप लोग चेक होल्ड करते रहते हैं। तो सरकार का वो DCM साहब को ये कहना है कि हम लोग एक रेवेन्यू, हम लोग का स्टेट अपना रेवेन्यू कमती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट से हम लोग का, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग डिपेंड करना पड़ता है। तो इस हिसाब कभी कभी एक्सपेक्टेशन हिसाब से पैसा कभी कभी नहीं भेजता है, तो लास्ट में हमने भेज दिया जाता है। तो इसी के चलते हम लोग थोड़ा उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बैंक में कोई कॉन्ट्रैक्टर चेक डाल देगा फिर बाउंस हो जाने से फिर टेक्निकल इशू आ जाता है, तो उसी के चलते वो लोग का क्लियर ये मैसेज है कि हम लोग का रेवेन्यू कम है, और कोरोना का चलते हुए इस बार बहुत सारा फंड को भी दिदा कर दिया है। तो इसे आगे भी ऐसे नहीं होना चाहिए, वो लोग उसका DCM साहब को ये स्टेटमेंट है। पैसा तो आ गया, लेकिन क्या कब से विड्रॉ कर सके हमका जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पैसा, तो चेक इशू किया? इसको ये मंडे से करेगा बोला है, मंडे ट्यूजडे से शुरू हो जाएगा। अभी पैसा आ गया तो होल्ड का लिफ्ट का ऑर्डर मंडे ट्यूजडे से शुरू कर देगा बोला। आपका दूसरा डिमांड है व्हाइट पेपर ऑन जो स्कीम से प्लान टू प्लान ट्रांजेक्शन प्लान किया गया, उसका क्या अपडेट है? उसका व्हाइट पेपर जो है नॉन प्लान हेड का, DCM साहब का ये कहना है कि सारा चीज़ जो है, जैसे कि सोशल ग्राउंड में पुलिस है और सारा जो पोल आइटम है उसी में जाता है, तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना सके मिनिमाइज होने के लिए, लेकिन उसका चीज़ को वो नॉन प्लान वाला को, तो वो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखा जाएगा। ये फाइनेंशियल अभी ख़त्म होना है, उसका बाद हम लोग फिर अपना लेवल से करके हम उसको पटा करके चोरेगा, क्योंकि ये नॉन प्लान का चलते ही कुछ ना कुछ तो टेक्निकल एरर आता है। प्लान है चलो आता है वो, अभी जैसे कि प्लान है तो बनाया, पैसा आया, अभी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन नॉन प्लान जो हम लोग रेवेन्यू देता है उनका जो सही दंग कहाँ होता है, इसको तो हम लोग पटा करके ले करके हम लोग आपका साथ फिर मीडिया में आएगा। हाँ, इसमें हम लोग इसको टोटली सेटिस्फाई है, क्योंकि साथ में कमिश्नर नया जो कमिश्नर फाइनेंस है वो भी साथ में था, तो उन्होंने भी बोला कि पैसा आ गया, अभी आप लोग को चिंता करने कोई बात नहीं। तो रिगार्डिंग चेक मेथड में वी आर सेटिस्फाइड, और मंडे ट्यूजडे तक हो जाना शुरू हो जाएगा, तो हो जाने से तो फिर नहीं होता है तो बात बताएगा, लेकिन वो जितना एश्योर किया है कि पैसा आ गया है, अभी चिंता करने का बात नहीं है। ये तो आपका डिमांड था, वो उसका पब्लिक का भी काफ़ी कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस काम नहीं करते, तो उसका कुछ रीज़न आप बता पाएंगे? इसका कॉन्ट्रैक्टर का ऐसे आपने एक सही सवाल किया, कॉन्ट्रैक्टर लोग कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग ऐसा होते हैं टेंडर मिलने के लिए ही बिलो मार देते हैं, जैसे कि 10 करोड़ का 1 करोड़ का काम होता है, उसको हमको टेंडर लेना है, वो 20-30% बिलो मारता है, फिर बाद में जब एग्जीक्यूशन में उसका अपना प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग भी जब टेंडर मारता है आप सोच समझ के सही रेट लेके मारना है, और उसमें कुछ लोग कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है पॉलिटिकल पावर से ले लेता है काम को, किसी का ये वो कॉन्ट्रैक्टर लोग, वही कॉन्ट्रैक्टर लोग काम में भी डिले करता है और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि जब उसको ऑफिसर करेक्शन करने जाएगा वो बोलेगा मेरा पास पॉलिटिकल पावर है, ज़्यादा करेगा आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दें, लेकिन एज ए प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर सबसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम जो है, कभी भी सड़क बना रहा हो, नाला बना रहा हो, अपना प्रदेश के लिए, अपना देश के लिए, हम लोग तो ये अपील करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को जहाँ भी हो आप अच्छा टेंडर में रेट लो, अच्छा क्वालिटी काम करना है, काम करके पेमेंट तो मिलेगा, ऐसा नहीं होना है कि मेरा पास ये पावर है वो पावर दिखा के काम नहीं करके, ऐसे लूपहोल्स नहीं करना है। और उसमें एक बात भी है, इसमें कुछ जगह में इंजीनियरिंग का भी एक फॉल्ट है, जैसे कि एक जूनियर इंजीनियर होता है जो साइट इंचार्ज होता है, इंजीनियर लोग भी तो साइट में जाता नहीं, साइट में इसलिए जाना चाहिए, जैसे कि हम लोग सेंट्रल प्रोजेक्ट होता है, इंजीनियर तो जब कास्टिंग वर्क होगा कुछ होगा इंजीनियर साथ रहता है, इसलिए हायर अथॉरिटी सरकार भी इंजीनियर को, जैसे उस दिन
आपका असेंबली में रेज हुआ है हाईवे का लेकर के, कॉन्ट्रेक्टर सिर्फ दिखा दे, इंजीनियर दिखाने दे, इसमें फॉल्ट इंजीनियर का भी है।